तो वही ये है घर के एंट्रेंस, थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ मैं, और यहाँ पे आधे शूज पड़े हुए हैं। कनकोडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे फाइनेंशियली भी। वही पास्ता गया बन मेरे को। गाइज वेलकम बैक टू GC ब्लॉग्स। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अकोमोडेशन की वीडियो बना रहा हूँ, अकोमोडेशन पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में अब बेसिकली मैं यहाँ पे कनकोडिया स्टूडेंट्स के लिए और जो मॉन्ट्रियल में रह रहे स्टूडेंट्स उनके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। वो एरियाज बताऊंगा मैं कि कहाँ आपको एक बेटर डील मिल जाएगी, बेटर घर मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम डाउनटाउन। मैंने यहाँ पे डाउनटाउन कवर नहीं करा है क्योंकि अगर आपको डाउनटाउन रहना फिर तो वो तो ऑलरेडी एक मतलब अपने में ही अलग प्राइसेस चल रहे हैं उनके। तो ये मैं डाउनटाउन से एक दो स्टेशन चार स्टेशन बाद के एरियाज आपको बताने वाला हूँ, और उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल अभी कोई घर पे नहीं है इसलिए मैं सोचा कि अपना घर पहले शूट कर लेते हैं क्योंकि वो इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा। और अगर आपको ये है कि सिर्फ अकोमोडेशन का देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, तो अकोमोडेशन की वीडियो जो है इसके बाद शुरू होगी। पहले मैं आपको अपना घर दिखा दूंगा अपना कैसा है। तो वही ये है घर के एंट्रेंस, थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ मैं, और यहाँ पे आधे शूज पड़े हुए हैं। ये अभी बिल्कुल ऐसा घर रखा हुआ है जैसे हम रेगुलर रहते हैं। मैंने कोई सफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी जैसे मैं सो के उठा हूँ, अभी एक थोड़ा सा किचन मैंने थोड़ा सा सेट किया, सेट भी किया, उसमें बेसिकली पास्ता रखा बनना। तो अभी मैं अपना ये देखो बिल्कुल ऐसे सब पड़ा ऐसे बिखरा हुआ जैसे हम बैचलर्स रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये 4.5 अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ये जो हॉल है ना, 4.5 का मतलब होता है कि आपको इधर से 4 कमरे मिल रहे हैं, हाफ है जो बाथरूम के लिए अलग से होता है। तो किचन 2 कमरे और एक हॉल, तो टोटल 4, और हाफ जो है वो बाथरूम के लिए होता है। तो बेसिकली ये हॉल है, लेकिन एक तरह से यहाँ पे कर्टन लगा के इन्होंने अपना सेपरेट एरिया बना रखा है। यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, तो ये उनका एरिया है। ये देखो पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ वाला एरिया काफ़ी सेट है। ये 2 बंदे रहते हैं यहाँ पे, ये इनके वर्क स्टेशन हैं ये 2। और अभी सब शिफ्ट पे गए हैं मेरे अलावा, क्योंकि मेरी इनकी वीकेंड शिफ्ट होती है, मैं वीकडेज पे करता हूँ। ये मिरर वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे सब अपने कपड़े सेट किए हैं। और अभी चलते हैं आगे। ये लॉबी टाइप है, छोटी सी लॉबी के पाथवे है, और ये है स्टोर छोटा सा जिसके अंदर आप जैकेट टांग सकते हो। और बाकी हमने अपने एसी वेसी के, जो क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है तो एसी की ज़रूरत नहीं है, तो एसी वगैरह और बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जो खाली बैग्स हैं। और ये थोड़ा बहुत कपड़े सुखाने के लिए। और अब आते हैं मेरे रूम की तरफ। तो वो तो ऑलरेडी पता चल जाता है कितने शूज़ पड़े थे, किसका रूम है, ये मेरा रूम है। आधे शूज़ यहाँ पे हैं, आधे वहाँ पे भी हैं, आधे यहाँ पे भी, और 2-4 अंदर भी मिलेंगे आपको। तो वही एंट्रेंस कुछ ऐसी है। ये मेरी बेस्ट थी जब मैं एक कंपनी में काम करता, उसकी बेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है मोमेंटो। और ये आ गया अभी मेरा रूम। अब इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी कर रखी है, मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये और ये एम्बियंट लाइटिंग कर रखी है, और ये चेंज भी हो जाती है। इसका रिमोट ये रहा, ये रेड कर देते हैं यहाँ पे इसका, ये देखो पर्पल कर दे, पर्पल भी सही है। तो ये एम्बियंट लाइटिंग है, पर अभी ऑन कर लेते हैं क्योंकि भाई वीडियो भी तो बनानी है। तो ऐसा कुछ सीन है, मेरा प्राइवेट रूम है, 2 प्राइवेट रूम है, बेसिकली 2 लोग प्राइवेट रूम में रहते हैं और 2 लोग जो है वो हॉल शेयर करते हैं। तो रेंट का डिफरेंस मैं आपको एंड में बता दूंगा कि रेंट क्या पड़ता है। तो यहाँ पे अपना फ़ैन लगाया सर्कुलेशन के लिए, बेशक ठंड हो रखी है लेकिन सर्कुलेशन ज़रूरी है। यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, ये देखो मेरा भारत महान इंडिया झंडा, और ये स्पीकर पड़ा है, ये मैं अभी लेके आया था। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो बताना, ये है मार्शल एक्टॉन 2। देखते हैं कौन सा गाना बजा, इसे कोई ना कोई बजते रहते हैं। तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा तो उसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये हेयर स्प्रे है, ये मेरी एक इकलौती घड़ी है यहाँ पे जो मैंने आगे ली थी वो पड़ी है। ये स्टैंड है, ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ एक ये मार्केट प्लेस से मॉनिटर लिया था मैंने वो है, और ये लैपटॉप है, ये कॉफ़ी का मग पड़ा है, और यहाँ पे ये पहले से ही लगा हुआ था यहाँ पे तो मैंने नहीं लगाया। ये मैं बैंफ से लेके आया था, अगर आपने मेरी बैंफ वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो बेसिकली सीरीज़ के 2-3 वीडियोस है वो, नहीं 2 है, 2 है हाँ। तो उसमें मैं बैंफ किया था विंटर में, और बहुत ही तगड़ा एडवेंचर हो रखा था, तो वो आप ज़रूर जाके देखना बैंफ वाली, वो प्लेलिस्ट भी है 2 वीडियोज़ की, तो उसमें जाके देखना आपको मतलब विंटर में बैंफ जो जो लगता है ना, मतलब समर में तो सबने दिखाया लेकिन मैंने विंटर में दिखाया।
और ये मेरी जो थी पहली गाड़ी, अगर जैसे लोग पहले से जो जानते हैं, मेरे पे एक टोयोटा कैमरी थी 2005-6 मॉडल, तो उसकी ये नंबर प्लेट है। तो भाई पहली गाड़ी की नंबर प्लेट संभाल के रखनी चाहिए। और ये बस यहाँ पे बादाम वादाम पड़े हैं, यहाँ पे मैंने कर्टन लगा रखा, अभी ये कर्टन ऑर्डर करना है मेरे को, ये दोनों अलग अलग अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे सोता हूँ, सोने का हिसाब किताब है। और ये हमारे गोकू जी, ठीक है। और ये एक मेरी क्लॉजेट है, इसमें मैंने सामान वामान रखे, कपड़े वपड़े सेट कर रखे हैं। और बस यही कुछ है, ये मेरा रूम है। उसके बाद आपको अगला रूम दिखाता हूँ, क्योंकि दो प्राइवेट रूम और एक हॉल है। तो अगला रूम ये वॉशरूम है, बेसिकली एक ही वॉशरूम है, तो हम चारों शेयर करते हैं ये वॉशरूम है। क्योंकि कनाडा में क्या होता है, बेसिकली आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलते हैं, वॉशरूम नहीं मिलते हैं, जैसे कि इंडिया में आपको 2 BHK वगैरह में मिल जाते हैं कि मास्टर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम है, तो यहाँ पे नहीं होता वो चीज़। मैंने रेयरली, मैंने खुद से तो आज तक नहीं, पर मैंने एक लिस्टिंग देखी थी फेसबुक मार्केट पर, वो डाउनटाउन में था, तो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। और सफाई रखो भाई, कोई चक्कर नहीं है। अब ये है तीसरा रूम, ये भी काम पे गया हुआ, ये भी बढ़िया सेट कर रखा है। यहाँ पे ये वर्क स्टेशन लगा रखा है, ये टीवी लगा रखा है। और यहाँ पे क्या है, वैसे यहाँ पे ना ही जाओ तो बढ़िया, बिकॉज बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये बालकनी है, इसके रूम पे अटैच बालकनी है, तो ये बालकनी है, यहाँ देख लो, कोई व्यू व्यू नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। मॉन्ट्रियल इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, इवन दो इट्स विंटर, बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल फॉर इटर्निटी। दोस्त का रूम, ये वॉशरूम हो गया, और ये एट लास्ट आपको किचन दिखाया। तो किचन जो है बहुत खुली है, अभी सेट नहीं की हुई हमने, क्योंकि यार किसी पे टाइम नहीं था। तो ये फ्रिज है, और ये हमारा पास्ता उबल रहा है, बस 10 मिनट में व्हाइट सॉस पास्ता तैयार। और अरे टैब यहाँ पे चल रहा है, जब मैं पास्ता रखा था यहीं पे टैब रख गया मैं। और ये देख सकते हो, ये सब धुले हुए, लेकिन मैंने भी सेट नहीं किया है, थोड़े वो सेट कर लिए हैं ये सब। ओके 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 ओके, यहाँ पे सब हम खाने मसाले वसाले हो गए तुम्हारे, डिप्स विप्स होगी, वो सब यहाँ रख लेते हैं। और ये अवन दे देते हैं आपको यहाँ पे, और ये हमारा फ्रिज है। बस एग छोड़ के बाकी सब वेजिटेरियन है, एग भी वेजिटेरियन ही मान लो यार, अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं। और भाई फ्रीजर में मसाले रख लिया करो, ये ख़राब नहीं होते, थोड़े बहुत फ्रोजन सामान, फ्रोजन के हम ज़्यादा अवॉइड करते हैं, हम खाते नहीं हैं, क्योंकि लोग पराठे पराठे खाते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाते, खाते हैं लेकिन रखना अवॉइड करते हैं, जब कभी मन हो तो लेके आ गए। तो ये था मेरे जो मेरी अकोमोडेशन का टूर। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि आप, मैं बेसिकली कनकोडिया स्टूडेंट्स हूँ, मॉन्ट्रियल जो स्टूडेंट्स हैं, नए आए हैं या जो पहले भी रह रहे हैं, उनको मैं कुछ ऐसे एरियाज बता दूंगा कि कहाँ ढूंढना है अगर, और क्योंकि कैसे ढूंढना आपको ऑलरेडी पता है, मार्केट प्लेस की जीजी ये दो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, वो मैं डाउनटाउन के लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं जो जिसके लिए आप बेसिकली आए हो, कि कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, सबको पता है कहाँ ढूंढना है। तो अभी मैं वो एरियाज बता देता हूँ जो कि कनकोडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे फाइनेंशियली भी, बिकॉज वो अफोर्डेबल भी हैं और वो मेट्रो स्टेशन और पब्लिक ट्रांजिट से काफ़ी कनेक्टेड भी हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, तो इसमें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज़ चीपेस्ट एंड देन सेकेंड इज़ अफोर्डेबल। अब इसमें कोई पूछेगा कि इट साउंड्स लाइक सेम थिंग, बट नो। तो चीपेस्ट वो है कि जहाँ पे आपका मेन फोकस है कि आपको रेंट सेव करना है, आपको सबसे, आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको 2-3 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, 2-3 दिन काम पे जाना है, और आपका वीक वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो घर पे उतना रहना नहीं होता। तो ये वो उन लोगों के लिए कि जिनको रेंट पे सेव अप करना है, जहाँ मैं भी इन में से एक जगह पे रहा था ड्यूरिंग फर्स्ट इनिशियल डेज। उसके बाद फिर आते हैं अफोर्डेबल, जो कि है, ये दोनों ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांजिट वेल कनेक्टेड हैं, और ये एक ही लाइन पे हैं, जो मेट्रो की लाइन है, ऑरेंज लाइन पे। तो इन दोनों की सेग्रीगेशन है कि एक चीपेस्ट है, एक अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में ये बेसिकली है, थोड़ा सा आपको प्रीमियम मिल जाता है, थोड़ा सा रेट अप हो जाता है चीप से, लेकिन फिर भी वो डाउनटाउन के रेट तक नहीं पहुंचता, और अपार्टमेंट आपको काफ़ी नए मिल जाएंगे कंपैरेटिवली टू द चीप एरियाज। चीप मतलब कि जहाँ पे रेंट कम है, चीप वैसे चीप नहीं कि वो वहाँ पे लोग गंदे हैं, ना वैसा कोई नहीं बता रहा मैं, वैसे एरियाज भी। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक इट फॉर श्योर। सो फर्स्ट चीपेस्ट आ जाता है कोटवर्चू, ये जो है ऑरेंज लाइन का लास्ट स्टेशन है, और मेरे हिसाब से ये चीपेस्ट में इसलिए भी, एक तो मैं भी यहाँ पे रहा हूँ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रहा हूँ, और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छे थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स कम थे, तो एरिया ये है कि वन ऑफ द चीपेस्ट है। और यहाँ पे कोई बिल्कुल शांत एरिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वेल कनेक्टेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और सबसे मेन बात, मोस्टली जो वेयर हाउसेज है जहाँ पे बच्चे काम करते हैं वो इस एरिया के पास है, मोस्टली मतलब
इवन मैं कह सकता हूँ कि मॉन्ट्रियल के 40-50% जो वेयर हाउसेज है कोट वर्चू के आसपास है। आपको अगर उधर भी एयरपोर्ट साइड वालों वेयर हाउसेज में जाना है कोट वर्चू के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और यहाँ से अगर आप मेट्रो लेते हो कनकोडिया यूनिवर्सिटी तक की, तो 25 मिनट्स मैक्स, 25-30 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे। बस इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि मुझे एक दिन पता चला जब मेरा एग्जाम था, और मैं वैसे हम बफर लेके निकलते हैं 1-2 घंटे का कि एग्जाम अगर 9 बजे है तो मैं 8 बजे घर से या 7 बजे घर से निकल जाऊंगा 7:30 तक। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हम प्रॉपर 8:30 निकले कि हाँ भाई 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। उस दिन मेट्रो में कोई प्रॉब्लम आ गई और 10 मिनट के लिए मेट्रो फ्रीज होगी, और हम ऑलमोस्ट मतलब मिस हो चुका था हमारा एग्जाम, 5-10 मिनट हम लेट ही पहुंचे, जो कि यहाँ पे काफी गलत बात है। आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स अगर आप यहाँ फेल कर देते हो तो फिर आपका चक्कर पड़ जाएगा, कनकोडिया यूनिवर्सिटी वालों को पता है ये चीज। सेकंड जो एरिया आता है वो आता है डू कॉलेज, वो कोट वर्चू के अगला मेट्रो स्टेशन है। वहां पे आपको घर भी मिल जाएंगे, थोड़े से पुराने हैं लेकिन घर हैं, अगर किसी को घर में रहना, अपार्टमेंट में नहीं रहना, और अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे, वेल कनेक्टेड है अभी, और एक तरह से कोट वर्चू जैसे एरिया तो रेंट्स काफ़ी कंपेरेबल है कोट वर्चू के। कोट वर्चू पे हाँ ये बता देता हूँ कि सारे ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं, डू कॉलेज से थोड़े से दूर पड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से कोट वर्चू फिर तभी मैंने 1 पर रखा है, डू कॉलेज 2 पे रखा है। तीसरा है कोट दिनेश एरिया, ये जो एरिया है ब्लू लाइन पे पड़ता है, ये सेंट मिशेल वाली जो लाइन है तो वहाँ पे पड़ता है कोट दिनेश। लेकिन यहाँ क्या है, एक स्नोडन बीच में एक एरिया आता है, उससे अलग मेट्रो लाइन जाती है। कोट दिनेश में बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, सब कुछ, सारे इंडियन स्टोर, सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। कोट दिनेश बेसिकली मेरे घर के पास वाला एरिया है, मैं अपना घर भी बताऊंगा, वो भी इस लिस्ट में है। तो कोट दिनेश जो है मेरे घर के पास वाला एरिया, तो आप यहाँ भी अपार्टमेंट देख सकते हो। जो इनके अपार्टमेंट्स के रेंट की रेंज है वो मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगा, ये सब एरिया आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। और इनके जो अपार्टमेंट की रेंज है बेसिकली आपको 3.5 का एक आइडिया दे दूंगा कि यहाँ पे 3.5 कितने का मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अफोर्डेबल की तरफ। तो अफोर्डेबल में सबसे पहले आ जाता है प्ले सेंट हेनरी, वैसे इसको फ्रेंच में प्ले सेंट और ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़े तो प्ले सेंट हेनरी बनता है। तो ये जो है आई थिंक ये जो है वो बेस्ट एरिया रहने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इंडियन स्टोर्स उतने नहीं हैं, लेकिन उतने नहीं है कि जितने आपको कोट वर्चू या वहाँ पे मिल जाएंगे या फिर डाउनटाउन में मिल जाएंगे, लेकिन ये डाउनटाउन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। कनकोडिया से आपको एटवाटर आना है 2 स्टेशन, एटवाटर से आपका अगला स्टेशन ये है चेंज करके, तो आपको विद इन मैं कहता हूँ 5 या 6 मिनट्स लगेंगे आपको मेट्रो में, और आप अपने घर पे बैठे हो गए। तो ये प्लेस है। सेकंड आता है कोर्ट सेंट कैथरीन, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। कोर्ट सेंट कैथरीन जो एरिया है वो मेरे को सेकंड बेस्ट लगा, फर्स्ट तो मेरे को कोर्ट वर्चू ही लगता है क्योंकि वो बहुत ही खुला खुला एरिया है। यहाँ पे क्या है, लोग बहुत ज़्यादा डेंस हैं, लेकिन ये यहाँ के ना थोड़े अपार्टमेंट जो है प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट वर्चू वाले अपार्टमेंट्स के, तो थोड़ा सा रेंट ज़्यादा है, वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जो मैं कमेंट जो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा कि जो बेसिक डिफरेंस है रेंट का। लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा है, ये भी आपका ऑरेंज लाइन पे ही आता है, और यहाँ से आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स लगे, 20 मिनट 15-20 के बीच में आप पहुंच जाओगे कनकोडिया यूनिवर्सिटी। तो ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ भी बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, साउथ इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो और इसके बाद जो थर्ड है और मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड है इन सारे ऑप्शंस में से, वो है स्नोडन। स्नोडन एक अगर कोई दिल्ली रहता है तो राजीव चौक है यहाँ का, स्नोडन और लियोनर गुरु, ये दो ये आप ऐसा समझते हो एक कश्मीरी गेट और एक राजीव चौक है, क्योंकि काफ़ी लाइन्स यहाँ पे मैच करती हैं, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन स्नोडन पे मिलती है, क्योंकि इतनी लाइन्स नहीं है तो उतने इंटरसेक्शन बनते नहीं है, तो ये दो हैं जो मेजर इंटरसेक्शन हैं। तो स्नोडन हो गया और आपका लियोनर गुरु हो गया। लियोनर गुरु थोड़ा सा महंगा इसलिए मैंने वो लिस्ट में नहीं डाला, लेकिन अगर इसके बाद लियोनर गुरु का ही नाम आता तो स्नोडन रह सकते हो आप, स्नोडन भी बहुत अच्छा एरिया। इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने हैं ना गिनती ही नहीं है कोई, ये सब एरिया। और ये जो स्नोडन, कोर्ट सेंट कैथरीन, कोर्ट दिनेश, ये सब मेरे घर के पास वाले ही एरिया हैं, ये आसपास हैं, बस इनके मेट्रो स्टेशन क्या हैं, मतलब इनके मैं स्टेशन वाइज काउंट कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एरिया वाइज, ताकि आपके भी अगर किसी पर गाड़ी नहीं है तो वो बेसिकली यही प्रेफर करेगा कि हाँ उसको मेट्रो या बस मिल जाए। अब कोर्ट सेंट कैथरीन और कोर्ट वर्चू मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बस चलती कोर्ट सेंट कैथरीन और या कोर्ट सेंट कैथरीन और कोर्ट दिनेश भी, ये दोनों जो एरिया ऐसे हैं यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है कनकोडिया की। नंबर मुझे याद नहीं है, पता नहीं शायद 165 है, आई एम नॉट श्योर, तो डोंट कॉट मी ऑन दैट, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया बस लिए को, तो क्योंकि मैं मेट्रो से चला जाता हूँ, क्योंकि मेट्रो कन्वीनियंट रहती है, लेकिन बस ये है कि बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए अगर कभी मेट्रो खराब हो गया आपको कहीं जाना है। तो ये जो दो सेग्रीगेशन थी मेरी चीपेस्ट एरियाज़ की, और ये थी अफोर्डेबल की। लास्ट में मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा जो कि एरिया मुझे खुद को बहुत पसंद है, और वो एरिया है वर्धुन।
वर्दुन क्या है, मतलब वहां पे एक छोटी मैनमेड टाइप लेक है, बीच है, और वहां पे क्या अपार्टमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ बेसिकली जो ये एरिया है ना, यहाँ पे ज्यादातर आपको जो मैंने अभी बताए हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वर्दुन एक ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको घर मिल जाएंगे, वेल कनेक्टेड है ये भी। आई थिंक 15 मिनट्स में आप कनकोडिया पे पहुंच जाओगे मेट्रो से। तो वर्दुन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको अपार्टमेंट्स में, कई लोगों को नहीं रहना, क्योंकि मुझे भी अपार्टमेंट बेसिकली पसंद नहीं है, पर क्या करें, ले लिया अब तो रहना पड़ेगा। तो वर्दुन रह सकते हो, वर्दुन में भी रेंट जो है वो कंपेरेबल है, डाउनटाउन से थोड़े कम है, इनसे थोड़े हाई है, क्योंकि ऑल बिकॉज घर है वहाँ पे। अपार्टमेंट्स भी, अगर आपको अपार्टमेंट्स में रहना तो अपार्टमेंट भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक मेरे को अपार्टमेंट मिल रहा था, इस घर का जैसे रेंट है 1350, वहाँ पे यही 4.5 अपार्टमेंट मिल रहा था 1550 का, और उसके पीछे लेक थी। अपार्टमेंट से नीचे उतरो लेक, मतलब एक तरह से आपकी प्राइवेट लेक बन रखी थी वो। तो बहुत ही मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है, कहीं जिनको स्केटिंग वेटिंग आती है, आइस स्केटिंग, आप आइस स्केटिंग कर सकते हो वहाँ पे। तो ये भी बढ़िया सा है, अगर आपको वहाँ पे रहना था वहाँ पे रह सकते हो, तो ये अपनी चॉइस है। तो यही वीडियो खत्म करते हैं, होपफुली यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एरियाज, लाइक बिकॉज मेरे पे बहुत सारे मैसेज आते थे इंस्टाग्राम पे अकोमोडेशन के रिलेटेड। 90% मैसेजेस अकोमोडेशन के ही होते थे, या तो कोई कनकोडिया यूनिवर्सिटी का रिव्यू पूछता था या फिर अकोमोडेशन पूछता था। तो आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाया हूँ। तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो या देखना हो कि कैसे ढूंढना है अपार्टमेंट, तो वो मैं आपको स्ट्रेट स्ट्रेट अवे बता देता हूँ। मार्केट प्लेस एंड किजीजी, फर्स्ट इज मार्केट प्लेस, देन इज किजीजी। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मोस्टली ढूंढते हैं लोग। अगर आपको डाउनटाउन में चाहिए तो डाउनटाउन में एक और तरीका है, वहाँ पे कंपनीज के ऑफिसेज हैं। आप कंपनी ऑफिस भी क्या, जहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग है, कनकोडिया के सामने कैपरे की बिल्डिंग है और एक और कंपनी है, तो वहां पे आप चले जाओ, उनसे पूछ लो कि हाँ हमें अपार्टमेंट चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि अवेलेबल है। लेकिन मैं डाउनटाउन रहना प्रेफर नहीं करूंगा, उसका भी मैं आंसर देता हूँ, डाउनटाउन क्यों नहीं प्रेफर करता। मैंने एक चीज देखी है, जो बंदा डाउनटाउन रहता है ना, वो बस डाउनटाउन का ही रहता है, उसने मॉन्ट्रियल देखा नहीं होता। तो अब कोई देख रहा है वीडियो डाउनटाउन में बैठे तो बुरा मत माना, मैं भी रहा हूँ 1 महीना डाउनटाउन में। डाउनटाउन का मेजर डिसएडवांटेज है वहाँ शोर बहुत है। मैं रात को नाइट शिफ्ट लगा के सुबह आता था, और सारा दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। ये जो एरियाज है ना बहुत शांत है, तो मुझे थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ कमर्शियल से। तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो यही थी आज की मेरी वीडियो अकोमोडेशन से। तो और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। अब मैं थोड़ा रेगुलर होने की ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे। सो पीस आउट। Thank you.